नमस्ते दोस्तों, आज मैं बताऊंगा जापानी फैका से इसको बोनसाई कैसे बनाते हैं। बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों, तो ऐसे करके आप भी बोनसाई बना सकते हैं। ये पौधा को ऐसे रखेंगे, कटिंग करेंगे, गोल उतना खास नहीं दिख रहा है, तो इसको आप बढ़िया जल्दीबाजी से बोनसाई बना सकते हैं। एक बोनसाई आता है जो 5 साल 7 साल लगता है, ये बहुत ईजी तरीक़े से लग जाएगा आसानी से। ये देखिए, पहले पतला पतला जो रंगाल है दोस्तों, हम लोग इसको काट देंगे। इसको काटने के बाद नीचे का भी काट देंगे, थोड़ा फिनिशिंग हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। एक तो आपको कटर रखना चाहिए, गार्डनिंग के लिए कटर ज़रूरी है। तो ऐसे करके इसको भी काटेंगे। अब दोस्तों ये सुतली है, सुतली रख लीजिए, इतना बड़ा काट दिए सुतली से। सुतली क्या है, धीरे धीरे सड़ जाएगा, पौधा का नुकसान भी नहीं करेगा। तो ऐसे करके बांध लीजिए। तार है तो वायर नहीं है, कपड़ा सुखाने वाला तार हार्डवेयर दुकान में बोलेंगे तो मिल जाता है, तो इसको ला सकते हैं आप। ला के आप इसको पहले नाप लेते हैं, नाप के फिर इसको काट लेंगे। ये कटर से भी काट सकते हैं, इससे भी काट सकते हैं, ऐसे करके इसको गिरा दीजिए, इसको ऐसे लपेट दीजिए। बना गया, इसके बाद थोड़ा थोड़ा काट सकते हैं इसको, कंची से भी कट जाएगा आराम से। ऐसे करके काट सकते हैं। बोनसाई बनाने के बाद 1 महीने बाद अच्छा लगता है, पूरा अपने रंग में आएगा। तो एक बार के लिए सिथार हम दे देते हैं। देखिए कितना बढ़िया हो गया। आप भी फैकस लाइए, खरीद के लाइए, ऐसे करके बना सकते हैं। इसको खरीदने जाएंगे तो 1000 रुपये मिलेगा। क्या किया हूँ, मुश्किल से 20-30 रुपये का तार नहीं बना हूँ, 5 रुपये का सुतली नहीं बना हूँ, ये आपको 1000 रुपये का पौधा हो गया। इसको दूसरे गमले में लगाएंगे तो और अच्छा दिखेगा। तो ऐसे करके आप भी कर सकते हैं।